की पूरी बिल्डिंग ऐसे गिरी है कि साथियों मौके पर लाशों का ढेर लग गया, रोया दहाड़ मच गई, चीख पुकार मच गई, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। गुजरात के जामनगर स्थित साधन कॉलोनी में शुक्रवार को एक बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जामनगर आयुक्त DNA मोदी ने बताया है कि गुजरात हाउसिंग बोर्ड में बिल्डिंग को पहले असुरक्षित घोषित कर दिया था। यहाँ के रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई थी। बिल्डिंग के मलबे में दबी सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। जो 3 मंजिला बिल्डिंग हादसे का शिकार हुई उसमें 6 फ्लैट है। हादसे के वक्त 4 फ्लैट में कोई नहीं था, वहीं 2 फ्लैट में 8 लोग थे। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान मितलेबन जयपाल सादिया, जयपाल राजू भाई सादिया, शिवम जयपाल सादिया के रूप में हुई है। वहीं कंचन बेन मनसुखा भाई जोशेर और पारलू बेन अमिताभ भाई जोशेर और हितांशी जयपाल देवी बेन और राजू भाई घेघलाल भाई घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ज्योति बेन के बताया कि यहाँ हादसा हुआ, मैं उसके पास ही रहती हूँ। सबसे पहले मैंने एक जोरदार आवाज़ सुनी, तब मुझे लगा कि बिजली गिरने की वजह से आवाज़ आई है। जब बाहर आकर देखा तो पता चला कि ब्लॉक की 3 मंजिले ढह गई। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद दर्दनाक खबर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है।